गुले बिटिया, गुले बिटिया, अरे उठिए, आपके मामा बाबा आ गए। क्या मामा बाबा आ गए? हाँ, कल की बजाय आज ही आ गए। कहाँ पर है? बाहर है। जल्दी चले। मामा, I'm so happy that you're back. एक दिन और वेट नहीं कर सकती थी मैं। मजा आया ना? अच्छा लगा सरप्राइज? बहुत। क्यों भाई, बाबा को भी कुछ प्यार मिलेगा या नहीं? बाबा जानी। My sweetheart, my baby, भाई हम तो पूरा टाइम तुम्हें ही याद करते रहे। मेरी चॉकलेट्स लाए? हाँ हाँ, सब कुछ आया है। हमने तो पूरा एक दिन तुम्हारी पसंद की चॉकलेट्स खरीदने में लगाया है। मेरे फ्रेंड्स के सारे गिफ्ट्स और मेरा मेकअप? अरे भाई, तुम्हारी सारी फरमाइशें हमने पूरी की हैं। भाई, गुले कोई फरमाइश करे और वो पूरी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और सुतानी भी आप बताए ना। जी शुक्र है अल्लाह का। आप बताइए, आपका सफर कैसा रहा? हाँ सुतानी भी, बहुत मजा आया। शुक्र, जबकि बहुत ही हसीन जगह है। और गुले, पता है तुम्हें एग्जाम्स नहीं होते ना, तो हम तुम्हें जरूर साथ लेके जाते हैं। तुम अपनी स्टडीज पूरी कर लो, फिर हम तुम्हें वर्ल्ड टूर पे ले जाएंगे। इट्स अ प्रॉमिस, हम अपनी बेटी को पूरी दुनिया घुमाएंगे। आप अपनी बेटी से इतने मुश्किल वादे ना किया करें। भाई कैसी मुश्किल, हमारी गुले के लिए हर बात मंजूर है। सलाम भाई साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम भाभी, कैसी हैं आप? आए ना, बैठे प्लीज। मैं ठीक अल्लाह का शुक्र। आप लोग तो कल आने वाले थे ना, ये आज कैसे? नहीं भाभी, हम तो आज ही आने वाले थे। वो तो गुल्ले को सरप्राइज देने के लिए हमने गलत डेट बता दी थी। आप बताइए जहांगीर भाई के क्या हाल हैं, बच्चियों की कैसी तबीयत है? सब खैर खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप लोगों की तुर्की की सैर कैसी रही? भाई बहुत जबरदस्त, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। मेरी चॉकलेट। अरे गुले जान संभल कर, देखो मेरे सिरेमिक से सारे टूट जाएंगे। राना, भाभी और बच्चियों के लिए जो चीजें लाई हैं वो दे दे उन्हें। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है, आप ऐसे उतावले हो रहे हैं। अभी तो आप सफर से थके आए हैं, कुछ आराम कर लीजिए, चीजें कहीं भागी थोड़ी जा रही हैं। मैं तो बस ऐसे ही खैरियत पूछने चली आई। भाभी बैठे ना, अभी चाय पी के जाइएगा हमारे साथ। नहीं नहीं भाई साहब, चाय तो मैं पी कर आई हूँ। अब नूर तो लाओ वाली तबीयत की बच्ची ठहरी, लेकिन सुल्तानी भी, आप तो अच्छी खासी उम्र की समझदार औरत है ना, आपको तो चाहिए कि मालिक घर आए हैं तो कुछ चाय पानी पूछिए उन्हें। लेकिन आप तो लगी उनकी शक्लें और सामान देखने। जी मैं अभी लाती। रहने दीजिए, बनाती रहिए चाय, चलती हूँ भाई साहब, फिर आऊँ। उसके लिए आयूंगी, फिर जबरदस्त चीज है, और हम हर दफा की तरह मुंह देखते रह जाएंगे। जाहिर है भाई, गुल्ले जैसी किस्मत हमारी कहाँ होने वाली है जो हमारे लिए महंगे महंगे तोहफे आएंगे। ले देंगे हमारे लिए वही चॉकलेट्स और सस्ते परफ्यूम होंगे, जैसे हम 8-10 साल की बच्चियां और चॉकलेट्स देके हमारा दिल बहल जाएगा। सुन लो कवल, अगर इस दफा उन्होंने हमें कुछ ऐसा वैसा देके टरखाने की कोशिश की ना, मैं उसी वक्त वापस कर दूंगी उन्हें। कह दूंगी गुल्ले से, ये भी रख ले अपनी उन ढेर सारी चीजों में, हमें नहीं जरूरत इसकी। हर साल बाहर जाते और हमारे लिए क्या आता है? वही सस्ते परफ्यूम या चॉकलेट। कोमल, उनका दिल ना सिर्फ अपनी बेटी के लिए बड़ा, हमें तो दुनिया को दिखाने के लिए बेटी बेटी करते रहते हैं। और हमारे अम्मी अब्बू को तो देखो, उनको ये भी नहीं पता कि इस घर से बाहर भी कोई दुनिया है। सैर तफरी के नाम पे हमारे हाथ में बर्गर मंगवा के रख देते, लो हो गई तफरी। वो भी मंगवाने की क्या जरूरत है, इंटरनेट पे सारी रेसिपीज तो मौजूद है, सर्च करो और बना लो घर में, खुद भी खाओ और उन्हें भी खिलाओ। आम के आम, गुठलियों के दाम। हमारे नसीब में ना सिर्फ गुठलियां लिखी हैं, गूदा तो गुले बीबी के नाम लिखा है। अभी भी बैठी हुई खा रही होगी कुछ आराम से। गुले बिटिया, गुले बिटिया, उठ जाए, देखे बाहर बरसात हो रही है, फिर मत कहिएगा हमने आपको बताया नहीं। क्या बारिश हो रही है? अच्छा मौसम हो रहा है, आज जॉगिंग में तो बहुत मजा आएगा। माँ बाबा उठ गए? जी हाँ उठ गए, लेकिन आज आप जॉगिंग पे नहीं जाएंगी, बरसात है ना। बेगम साहबा आज ना खुद घर से बाहर जाएंगी, ना आपको और साहब को जाने देंगी, आज आपकी पार्क से छुट्टी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो जाऊंगी। लेकिन बिटिया। लेकिन कुछ नहीं, जल्दी से जाके मेरा ट्रैक सूट रेडी करें और वो जो अम्ब्रेला है ना वो भी तैयार करें, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओ मेरे खुदा, ये सब हमारी गलती है, हमने क्यों बिटिया को जगा दिया। अच्छा भाई
आई एम सॉरी, मैं गैर अखलाकी हरकत कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपसे आपकी तस्वीरें खींचने की परमिशन नहीं ले सकता। चली गई, अभी तो यही थी। काश मैं उससे उसका नाम पूछ पाता। जो भी थी वो बहुत खूबसूरत थी। ये शायद उसकी छतरी है जो हवा से उड़ गई थी। अभी जाके उठाता हूं। अब की अम्ब्रेला भी इस बारिश की तरह और आपकी तरह खूबसूरत है। काश मैं आपको दोबारा देख सकूं। बहुत अच्छा टूर रहा तौकीर हसन का। काफी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए उसके इस्तांबुल में। अच्छा, तो अच्छी बात है। उनकी बेगम भी उनके साथ थी। बहुत अच्छी सुलझी हुई खातून। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि उनको एक दिन खाने पे इनवाइट कर लूँ। पूरी फैमिली को? हाँ, पूरी फैमिली को। देखो, मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी तरह तौकीर के साथ फैमिली रिलेशन बिल्ड कर लिया जाए। इस तरह हमारे डूबते हुए बिजनेस को बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। फैमिली रिलेशंस? मैं समझी नहीं। तौकीर की एक बेटी है गुलनूर, बहुत अच्छी प्यारी बच्ची है। मैं मिला हूँ उससे। हमारे अवान के साथ बहुत सूट करेगी। मैं नहीं जानता कि प्लानिंग्स किस हद तक कामयाब होती हैं, किस हद तक नाकाम होती हैं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि दुनिया की तमाम जंगें प्लानिंग से ही जीती गई हैं। लेकिन मुश्ताक, हमें क्या पता उसके पेरेंट्स ने अपनी बेटी के लिए क्या क्या सोच रखा होगा। हो सकता है वो कहीं एंगेज हो, हम तो कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। मालूम नहीं तो मालूम किया जा सकता है। देखो, तौकीर इस वक्त एक टाइकून है और जो भी उसके साथ जुड़ गया वो भी बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अबान से पूछना भी बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक पैसे की अकल नहीं है तुम्हारे बेटे में? तुम क्या समझती हो उसके मुस्तकबिल का फैसला मैं उसके हाथों में दे दूंगा? बाप एक हफ्ते बाद बाहर से लौटा है, उसे इतनी तमीज नहीं कि आकर मिल ले। ये समझ लो कि उसके मुस्तकबिल का हर फैसला मैंने ही करना है। खैर, ये मैं तुम्हें दिखाता हूं तौकीर की बेटी की तस्वीर। कमोन मम्मी, क्या ये सब कुछ? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग?
आजकल तो कोई लड़कियों के साथ ऐसे नहीं करता जैसे आप लोग मेरे साथ करना चाह रहे हैं। मैं कोई कठपुतली हूं, कोई पपेट हूं कि बाबा के इशारों पे चलूंगा? बाबा को मेरी फोटोग्राफी पसंद नहीं है, उन्हें मेरा म्यूजिक पसंद नहीं है, मेरा घर से बाहर निकल के दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है, और अब वो ये चाहते हैं कि मैं उनकी किसी दोस्त की बेटी को पसंद करूं, उससे शादी करूं ताकि उनकी बिजनेस की मुश्किलात दूर हो जाए। मैं उनका बेटा हूं या कोई एटीएम कार्ड? दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। बेटा, तुम अपने बाबा की पियत से वाकिफ तो हो ना, फिर इतने रूड क्यों हो रहे हो मुझसे? I'm sorry, I'm not being rude to you. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इट्स नॉट एक्सेप्टेबल मम्मी, और वैसे भी ये मेरा हक है। मैं जब भी शादी करूंगा अपनी मर्जी से शादी करूंगा, समझा दीजिएगा आप उन्हें, और उन्हें ये भी समझा दीजिएगा कि मेरी जिंदगी में बहसियत बाप जो उनका हक है ना, बस उसी को इस्तेमाल करें। मैं नहीं चाहता कि उनको कोई मायूसी हो।